नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टुडेज अपडेट पर। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। कोरोना के केस दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसमें ओमिक्रॉन के मामले भी शामिल हैं। कोरोना महामारी से बचाव में सबसे कारगर उपाय सिर्फ वैक्सीनेशन ही है। देश में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी 2022 से शुरू होना है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन आज 1 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएंगे। बच्चों के वैक्सीनेशन के इंतजाम सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पतालों में ही किए गए हैं। अभी बच्चों के लिए कोवैक्सीन ही उपलब्ध है, इसीलिए जिन सेंटरों पर कोवैक्सीन की डोज उपलब्ध होगी वहीं पर बच्चों का वैक्सीनेशन हो पाएगा। केंद्र सरकार के एक अनुमान के अनुसार दिल्ली में 15 से 18 साल के बच्चों की संख्या करीब 10,80,000 बताई गई है। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन रजिस्ट्रेशन 1 जनवरी 2022 यानी शनिवार सुबह 10 बजे से शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस आखिरकार है क्या? सबसे पहले आप कोविन ऐप पर जाएं, फिर अपना मोबाइल नंबर कोविन ऐप पर डालें। उसके बाद आपके फ़ोन पर एक ओटीपी आएगा, उसको कोविन ऐप पर डालकर लॉगिन कर लें। अब आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, पेंशन पासबुक, NPR, वोटर आईडी कार्ड या राशन कार्ड, ये सब जो डॉक्यूमेंट हैं इन सब में से आप एक चुन लें। अपने द्वारा चुनी गई आईडी का नंबर और नाम डालें कोविन ऐप पर। इसके बाद जेंडर और डेट ऑफ बर्थ को चुन लें। उसके बाद आपके सामने वैक्सीनेशन सेंटर की लिस्ट आ जाएगी और वो आप देखें कौन से सेंटर पर आपको अपने बच्चे का वैक्सीनेशन कराना है। नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर को चुनने के बाद वैक्सीनेशन की डेट, टाइम और वैक्सीन को सिलेक्ट करें और सेंटर पर जाकर वैक्सीनेशन कराएं। ये रजिस्ट्रेशन का बेहद ही आसान प्रोसेस है, तो जल्द से जल्द कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कराएं और अपने बच्चे को वैक्सीन लगवाएं। 15 से 18 साल के बच्चों के लिए ये रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आज सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा और 3 जनवरी से वैक्सीनेशन भी। ओमिक्रॉन के खतरे से बचने के लिए जल्दी से जल्दी अपने बच्चों का टीकाकरण करवाएं। ये जानकारी आपको कैसी लगी? तो ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।